जय हिंद बच्चों, फोर्ट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम अपना डिस्कस हुआ था कि अब आज से हम लोग चालू करने वाले हैं फिजिक्स के जितने भी लास्ट ईयर 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। देखिए, ये 25 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि भाई पेपर का पैटर्न किस प्रकार का आता है, दूसरा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने ज़्यादा किस चैप्टर के हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें का आप डिटेल में हम क्या करेंगे यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बिना इधर उधर की बात करें, बिना टाइम वेस्ट करें, मैं सीधे आ जाता हूँ क्वेश्चंस पर। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए तो चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। देखिए, ध्यान रखिए, कुल मिला के आप यदि पेपर का एनालिसिस करेंगे मेरे साथ साथ, यदि आप देखेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि 100 मार्क्स का फिजिक्स पूछा जाता है, कम से कम 25 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। हार्डली कभी ऐसा होता है कि एक या दो क्वेश्चन जो है वो शायद ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मिनिमम 25 क्वेश्चन जो है वो आपको फिजिक्स सब्जेक्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपके सामने सेप्टेम्बर का रिसेंट का NDA का जो पेपर है वो है, और उसके मैं टोटल 25 क्वेश्चन जो वो लेकर के आया हूँ। आओ देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर विच इज इक्वल्स टू, राइट है, आपको पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक यूनिट जो है वो किलोवाट आवर में, किलोवाट घंटे में क्या होना चाहिए। ध्यान रखिए बेटा इसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर, राइट। और 1 किलोवाट आवर को जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन्होंने अपने को मेंशन कर दिया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो है वो KWH है, और ऑप्शन पे यदि हम जाएंगे तो वो हमसे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट आवर का हमें कन्वर्जन बताना है, और सारे के सारे ऑप्शन जो है वो काय में दे रखे हैं, जूल में दे रखे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 3.6 × 10⁶ जूल, दूसरा ऑप्शन है 3.6 × 10³ जूल, तीसरा ऑप्शन है 10³ जूल, और फोर्थ ऑप्शन है कितना, 1 जूल। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक यूनिट जो है किलोवाट आवर, उसका कन्वर्जन हम देख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर को यदि हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले किलोवाट को हम कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, और आवर को हमें क्या करना होता है, आवर को हम कन्वर्ट करते हैं काय में, सेकंड में। जब आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आवर जो है वो हो जाएगा कितना, 3600, बराबर। और ये यूनिट जो है अब आपकी काय में कन्वर्ट हो गई है जूल में, इसमें आप जीरो काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बेसिकली हो जाता है 36 × 10⁵ जूल, बराबर है। देखिए, यदि आप, या तो इस प्रकार का आंसर हो सकता है 36 × 10⁵ जूल हो सकता है, या फिर यदि आप इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 36 का डेसिमल पॉइंट जो है वो यदि हम अंदर लाते हैं तो ये हो जाएगा 3.6, और 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में आप देख रहे हैं कि कितना, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर की एनर्जी हो सकती है, राइट है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा कितना, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, 3.6 × 10⁶ जूल जो है वो इसका फर्स्ट का जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना होगा, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर की एनर्जी होगी। ठीक है, अच्छा, साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट होता है, राइट है। और अगर एनर्जी को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट पूछा जाएगा तो हम किसके साथ में जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में हम जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 का आंसर क्या रहा, 1 रहा। ठीक, बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बताने लायक है, जो ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकती है, जो ऐसा लग रहा है कि एग्जाम पर्पज के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मैं बीच बीच में आपको वो भी बताता जाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 के बाद हम आते हैं, 61 के बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 62 है, राइट। आइए देखिए किस बारे में बात कर रहा है। ये आपसे बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ करंट कैरिंग सोलेनाइड इज नॉट करेक्ट। किसी धारावाही परिनालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना होगा। एग्जाम में भी आप जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप पहले देख लीजिए क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा कथन सही नहीं है, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए, विच इज नॉट करेक्ट। हमें गलत आंसर लगाना है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, सोलेनाइड, आप सभी ने सुना होगा सोलेनाइड के बारे में। सबसे पहले मैं यहां पर सोलेनाइड के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देता हूं, विच इज μ0ni। ठीक, सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0n × I। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ठीक है,
पहला ऑप्शन बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म। ध्यान रखिए मैं बार बार यहाँ फोकस कर रहा हूँ, हमें क्या बताना है, विच इज नॉट करेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन हमें बोल रहा है कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलिए दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, द करंट कैरिंग सोलेनाइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये भी आप सभी को पता है कि एक सोलेनाइड जब हम बनाते हैं उसमें जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो एक तरफ से करंट जो है वो कैसा एंटर करता है, क्लॉकवाइज, तो भाई दूसरी तरफ से कैसा लिव आउट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज एंटर कर रहा है एक तरफ से और दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज लिव आउट कर रहा है, मतलब एक एंड जो है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा और दूसरा एंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। इट मीन्स करंट कैरिंग सोलेनाइड क्या कर रहा है, एक बार मैग्नेट की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो भाई सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा इसमें, राइट है। चलिए बच्चों तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन करंट। आप देखिए तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट है, आपको दिख रहा है फॉर्मूला बी इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई होता है फॉर्मूला। और यहाँ से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट आई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट को यदि आप इंक्रीज करेंगे, विद्युत धारा को यदि आप बढ़ाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो भी क्या होगा, करेक्ट होगा, लेकिन हमसे उसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। चले डी वाले ऑप्शन पर आते हैं, इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनाइड द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन द सेम। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन बार को सोलेनाइड के अंदर डालते हैं, तो सॉफ्ट आयरन बार को सोलेनाइड के अंदर डालने के बाद भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसा रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत रहेगा, क्योंकि जब आप सोलेनाइड के अंदर सॉफ्ट आयरन बार को जब आप इंसर्ट करते हैं तो सॉफ्ट आयरन बार जो है वो अंदर जा करके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिमेन सेम, राइट है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 62 के सही आंसर की यदि बात की जाए तो डी वाला आंसर जो है वो इसका करेक्ट होगा। सॉफ्ट आयरन बार को डालने पर मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रिमेन सेम नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो बच्चों 62 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ठीक, 62 के बाद में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस वेराइटीज के तीन और फॉर्मेट होते हैं, डेंसिटी से रिलेटेड, मास से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, तीन अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं, ठीक है। देखो पहले फॉर्मेट का क्वेश्चन आपके सामने है, आओ देखते हैं किस प्रकार से इसको लगाना है। एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम। भाई एक ऑब्जेक्ट जो है दो इक्वल पार्ट्स के, वॉल्यूम के द्वारा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हमें काम करते हैं यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम। एक काम करते हैं, पहले पार्ट्स का वॉल्यूम कितना ले लेते हैं, पहले पार्ट्स का वॉल्यूम कितना ले लेते हैं, V1 ले लेते हैं, राइट। तो पहले पार्ट्स का वॉल्यूम कितना ले लिया, V1, ठीक है। वन पार्ट इज डेंसिटी, और पहले पार्ट की डेंसिटी कितनी ले लेते हैं, तो रो1 इक्वल्स टू G1 है, कितना हो जाएगा, रो नॉट हो जाएगा, राइट। एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से बोल रहा है दोनों का पार्ट्स कैसा है, बराबर है। देखिए दे रखा है कोई वस्तु दो बराबर आयतन, कोई वस्तु दो बराबर आयतन, मतलब दोनों का आयतन क्या है, यदि एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग सेगमेंट से मिलकर बना है तो क्वेश्चन हमें इंडिकेशन दे रहा है कि दोनों का वॉल्यूम क्या है बेटा, सेम है। आओ देखें वॉल्यूम सेम है, इट मीन्स V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, इट मीन्स V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, V ले सकते हैं, बाय वॉल्यूम दोनों सेम है, राइट है। पहले की डेंसिटी कितनी है, रो नॉट है, राइट है। एंड द अदर पार्ट हैज डेंसिटी 2 रो नॉट, दूसरे की डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, 2 रो नॉट दे रखी है। चलो लिख लेते हैं, रो 2 इक्वल्स टू कितना है, 2 रो नॉट, राइट है। देखिए एग्जाम में आप कभी भी सॉल्व करें इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप डाटा जरूर लिखिए, डाटा लिखेंगे तो आपको क्या होगा, फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी कैलकुलेशन करने में, राइट है। तो क्वेश्चन ने बोला कि भाई दोनों का आयतन, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू क्या लिया, V लिया है, रो1 की वैल्यू रो नॉट दे रखी है और रो2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 रो नॉट दे रखी है। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी, क्या पूछ रहा है हमसे ये, एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ रखा है। देखो अब इस क्वेश्चन को रीड करके हमें दो तरीके से, या यूं बोल दीजिए कि दो मीनिंग हमको समझ में आना चाहिए, ठीक। चूंकि वॉल्यूम के बारे में भी बात कर रहा है क्वेश्चन, तो आप चाहें तो मिक्सचर की डेंसिटी का फॉर्मूला लगा करके भी इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप चाहें तो सीधे सीधे एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा करके भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों ही से आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। यदि मैं सीधे सीधे एवरेज डेंसिटी के उस पर जाता हूं तो आप देखिए एवरेज डेंसिटी के हिसाब से किस प्रकार से आंसर आना चाहिए।
एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला यदि मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो रो एवरेज इज इक्वल्स टू, रो एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बेसिकली हम क्या करते हैं भाई, यदि दो अलग अलग सब्सटेंसेस की डेंसिटीज दे रखी है तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने छोटी क्लासेस में एवरेज या औसत निकालने के लिए जो भी सूत्र पढ़े उसके हिसाब से जाते हैं। जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है कि दोनों की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, तो रो एवरेज इक्वल्स टू मैंने लिखा रो वन प्लस कितना हो जाएगा रो टू डिवाइडेड बाय क्या है भी, चूंकि दो सब्सटेंसेस हैं तो काय से डिवाइड कर दूं, टू से डिवाइड कर देता हूं, राइट है। अब वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं इसकी, ठीक। तो रो एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो वन की वैल्यू कितनी है बच्चों, रो नॉट है, रो टू की वैल्यू कितनी है बच्चों, टू रो नॉट है, राइट। डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिख रहे हैं, टू लिख रहे हैं। अब टू रो नॉट प्लस रो नॉट कितना हो जाएगा, थ्री रो नॉट हो जाएगा, राइट है। फाइनली आप देख रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, फाइनली आंसर आ रहा है थ्री रो नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि डेंसिटी का एवरेज का आपने सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया, तो एवरेज का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा करके आंसर कितना आ रहा है, थ्री रो नॉट डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, टू आ रहा है, राइट है। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो 63 के हम किस आंसर के साथ में जाएंगे, हम बी वाले आंसर के साथ में जाएंगे विच इज थ्री बाय टू रो नॉट, क्लियर है। देखिए मैं बता रहा था इसका एक पैटर्न और हो सकता है, यदि आप मिक्सर वाले फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो मिक्सर वाले फॉर्मूले में आप रो मिक्सर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, रो मिक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा रो वन वी वन प्लस कितना हो जाएगा रो टू वी टू डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वी वन प्लस कितना है वी टू। यदि आप इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे, यहाँ पर यदि आप वैल्यू इक्वेट करेंगे तो भी आपका आंसर इससे क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। तो बच्चों 63 का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, थ्री बाय टू रो नोट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक। 63 के बाद आ जाते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 64 पर। किस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप ऑप्शन रीड करेंगे, आपको ऑप्शन रीड करते से ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब प्रेशर कुकर कुक फूड फास्टर बाय, भाई हम खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ऑप्शन पर जाते हैं। प्रेशर कुकर से खाना जल्दी कैसे पकता है, पहला ऑप्शन देखिए, इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस ऑप्शन को दिमाग में बिठा लीजिए, इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसके स्पेसिफिक हीट के हिसाब से भी इसके ऑप्शन जो है वो बदले जा सकते हैं, राइट है। बट यहाँ देखिए आप क्वेश्चन किस प्रकार से, ऑप्शन किस प्रकार से है, इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हाँ बिल्कुल प्रेशर कुकर का यूज करते हैं हम, बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि कम समय में क्या कर रहे हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, राइट है। सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये पूरी तरह से गलत है, ठीक। डिक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये पूरी तरह से गलत है, ठीक, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट, हम मेल्टिंग की कोई प्रोसेस नहीं करते हैं कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर मेल्टिंग की हम कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं, सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डिक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिल्कुल गलत हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बोला इसके ऑप्शन दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं, वो भी आपको भी लास्ट के लास्ट ईयर वाले पेपर में हम भी डिस्कस करेंगे, तब आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक, 64 के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। आप ध्यान रखिए बच्चों, एक्सरे पे जो है वो एक क्वेश्चन बराबर आपको देखने को मिलेगा, आई क्या बात समझ में, एक्सरे पे आपको बराबर कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सरे की वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है हमसे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, इनमें से कौन सी एक्सरे की वेवलेंथ जो है वो हो सकती है। चलो एक्सरे की वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, याद रखिए एक्सरे की वेवलेंथ की जो रेंज होती है, एक्सरे की वेवलेंथ की जो रेंज होती है बच्चों, याद रखिएगा एक्सरे के बारे में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक्सरे की वेवलेंथ की रेंज होती है 0.1 नैनोमीटर से लेकर के कितनी होगी, 10 नैनोमीटर के आसपास होगी, 0.1 नैनोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर के आसपास होगी, ठीक, याद रख लीजिएगा 0.1 नैनोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर के आसपास की हो सकती है, क्लियर है। चलिए पहला क्या है, 500 नैनोमीटर, क्या रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट है। दूसरा बोला 5000 नैनोमीटर, क्या रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, राइट है। तीसरा ऑप्शन है 100 नैनोमीटर, क्या रेंज में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 1 नैनोमीटर, क्या रेंज में आ रहा है, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली रेंज में आ रहा है, देखिए 0.1 से लेकर के क्या बताया मैंने, 10 नैनोमीटर, राइट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरे की वेवलेंथ क्या दे रखी है ऑप्शन के हिसाब से, हम किसके साथ में जाएंगे, 1 नैनोमीटर के आंसर के साथ में जाएंगे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा 0.1 से 10 नैनोमीटर, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं,
और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे एक बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी पे एक बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल दे रखा है। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, जनरेटर विच जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। कितना वोल्टेज बता रहा है, डाटा लिख लेते हैं। V इक्वल्स टू कितना है, 220 वोल्ट। इज इट क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़े। द करेंट ड्रॉन इज 600 मिली एम्पियर। कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, लिख लेते हैं इसको भी। I इक्वल्स टू कितना है, 600 मिली एम्पियर। कन्वर्ट करना चाहे कन्वर्ट कर लीजिए, एक मिली एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 600 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस के 3 एम्पियर, राइट। या तो आप 600 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर लिख लीजिए, या फिर माइनस 3 यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो ये 600 जो वो बेसिकली 0.6 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट है। तो वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। करंट कितना दे रखा है, 600 मिली एम्पियर, राइट है। आगे बढ़ते हैं। द करंट ड्रॉन इज 600 मिली एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है बल्ब की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है हमसे, बल्ब की पावर क्या होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए ध्यान रखिए। यदि पावर से संबंधित इस प्रकार के यदि कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि बेसिकली पावर के वोल्टेज से, करंट से और रेजिस्टेंस से संबंधित यदि बात की जाए तो मेन तीन फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो है वो हो सकता है पी इज इक्वल्स टू वी इनटू आई, करंट का और वोल्टेज का प्रोडक्ट जो होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। फर्स्ट हो सकता है पी इक्वल्स टू वी इनटू आई। सेकेंड पावर का फॉर्मूला हो सकता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, राइट है। वी स्क्वायर अपन आर भी क्या हो सकता है, पावर हो सकता है। यदि रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया हुआ हो तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे। तीसरा फॉर्मूला हो सकता है पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इनटू आर, राइट है। यदि करंट और रेजिस्टेंस के बारे में दे रखा हो तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे। क्लियर है, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इनटू आर, ठीक। अब मैंने बोला आप डाटा लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें भाई यदि एक क्वांटिटी के मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्मूले होते हैं तो डाटा लिखने से हमें यह क्लियर हो जाता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमें चूज करना है। तो मैं डाटा के हिसाब से देख पा रहा हूँ कि भाई वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, देन फॉर फाइंडिंग द पावर वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। हम किस फॉर्मूले के हिसाब से जाने वाले हैं, पहले फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व इसको। पहले फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो P इज इक्वल्स टू, मैंने यूज करा है V इनटू I, ठीक। वैल्यू इक्वेट करिए, आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय करंट, क्या करें, 600 इंटू 10 की पावर माइनस 3 या फिर 0.6 हो सकता है मिली एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है, ये हो जाएगा 0.6 ले लेते हैं, राइट है। चलिए सॉल्व करते हैं, जीरो से डेसिमल पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, राइट है। P इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे 22 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 132। 22 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 132। यूनिट क्या यूज़ करेंगे, वाट। तो फाइनली आंसर क्या निकल करके आया पावर का, P इक्वल्स टू 132 वाट, राइट है। ऑप्शन देख रहे हैं हम, देखिए आप ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं, पहला 132 वाट है, राइट है, सेकंड 13.2 वाट है, फिर 1320 वाट है, फिर 13200 वाट है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए 132 वाट हो जाएगा। क्लियर है, P इक्वल्स टू वी इनटू आई से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें, चलिए फिर एक बड़ा आसान सवाल, बड़ा ही आसान सवाल, नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए देखें कौन सा होना चाहिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुनिए। व्हेन द पिच, इस लाइन को दिमाग में बिठाइए, इस वर्ड को दिमाग में बिठाइए, क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पिच, व्हेन द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस। अगर किसी साउंड की, किसी ध्वनि का यदि पिच या तारत्व क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक, इंक्रीजेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस। बोल रहा है पिच बढ़ाने पर इनमें से कौन सी क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी, पिच बढ़ाने पर इनमें से कौन सी क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी। ध्यान रखिए पिच, ध्यान रखिए बच्चों, पिच का सीधा सीधा रिलेशन किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से, किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से। तारत्व का सीधा सीधा संबंध किससे है, आवृत्ति से, राइट। तारत्व का सीधा सीधा संबंध किससे है, आवृत्ति से है। लाउडनेस की बात की जाएगी, प्रबलता की बात की जाएगी, लाउडनेस का सीधा सीधा संबंध किससे होता है, एम्पलीट्यूड से होता है, किससे होता है सीधा सीधा संबंध, एम्पलीट्यूड से। अगली बात समझ में, मैंने बोला इस वर्ड को आप ध्यान रखिए पिच, आंसर मैंने क्लियर कर दिया है पहले ही उसमें कि पिच का सीधा सीधा संबंध किससे है, फ्रीक्वेंसी से, या यूं बोल सकते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, पिच होता है। तो अगर पिच बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, ठीक। इंटेंसिटी का सीधा सीधा संबंध एनर्जी से होता है, लाउडनेस का सीधा सीधा संबंध आयाम से होता है, एम्पलीट्यूड से होता है, वेवलेंथ अपने आप में एक क्वांटिटी है,
ठीक, लैम्बडा से डिनोट करते हैं, राइट है। और पिच का सीधा संबंध किससे है, फ्रीक्वेंसी से। तारत्व का सीधा संबंध किससे है बच्चों, आवृत्ति से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, बीच बीच में जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इनको भी दिमाग में रखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको आगे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। राइट, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, डिफेक्ट से क्वेश्चन आया है, डिफेक्ट से क्वेश्चन आया है। देखिए, ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस विथ कॉन्ट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन, दिस इज ड्यू टू। मानव नेत्र पृथक दूरियों पर स्थित वस्तुओं को विपर्यासी प्रदीप्तियों के साथ देख सकता है। देखो, ये आपको सीधे सीधे डेफिनेशन बता रहे हैं। देखिए, हमारी आई जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के हिसाब से क्या करती है, आई लेंस जो होता है उस आई लेंस के शेप और साइज को घटाती है और क्या करती है, बढ़ाती है। राइट है क्या? अब यदि मैं इस क्वेश्चन को यदि मैं ऑप्शन से रिलेट करूंगा तो देखिए, पहला फार साइटेडनेस है, ये सीधे सीधे डिफेक्ट्स की ओर इशारा कर रहा है। हमें पता है फार साइटेडनेस क्या होता है, फार साइटेडनेस भाई आपको नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपको क्लियर होगा। नियर साइटेडनेस में पास की चीज़ें क्लियर दिखती है, दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है। फार साइटेडनेस में दूर की चीज़ें क्लियर दिखती है, पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है। राइट है, फिर दोनों को मिला करके दे दिया है। राइट, डी वाले ऑप्शन पर आप जाइए, यहाँ ये लिखा हुआ है एकोमोडेशन ऑफ द आई। देखिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई का मीनिंग ये होता है कि द साइज ऑफ आई लेंस, द साइज ऑफ आई लेंस विल बी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के हिसाब से आई लेंस का शेप और साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो बेसिकली किसकी परिभाषा है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई बोलते हैं। राइट है, तो बेटा ये तो सीधी सीधी डेफिनेशन हो गई है किसकी, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई की। तो क्वेश्चन नंबर 75 में हम किस आंसर के हिसाब से जाएंगे, डी के साथ में हम जाएंगे। राइट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसमें और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, सुनिए ध्यान से, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97 है, जो बेसिकली किससे रिलेटेड है, मैकेनिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्या दे रखा बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए हम सभी को पता है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, वी टी, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, यदि हम क्या करते हैं वेलोसिटी के और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, और यदि हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, यदि हम चाहते हैं कि त्वरण कैसा हो, एक समान हो, तो याद रखिए आप एक समान एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का बढ़ना जरूरी है। तो एक समान त्वरण की बात की जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है भाई, चूंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो बनने वाला ग्राफ कैसा होगा, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा आपका ग्राफ, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए याद रखिए वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होता है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पैराबोला बिल्कुल नहीं, लॉगरिथमिक बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन चेक करिए। राइट है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। राइट है, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। ठीक, तो क्या होना चाहिए फाइनल करेक्ट आंसर, इसका फाइनल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या, स्ट्रेट लाइन। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वल वेलोसिटी इंक्रीजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है, ग्राफ कैसा बनता है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। किसके साथ में जाएंगे आंसर, स्ट्रेट लाइन के साथ में जाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड्स, क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए, द एम्पलीट्यूड्स ऑफ साउंड वेव इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ, ये फिर वापस से बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया है साउंड से रिलेटेड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि साउंड वेव का एम्पलीट्यूड्स जो है वो बेसिकली किस यूनिट्स में मापा जा सकता है। ठीक, एक बात बताइए, एम्पलीट्यूड्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड्स बोला जाता है भाई, अधिकतम विस्थापन जो है तरंग के अंदर क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या एक टाइप का डिस्टेंस है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या एक टाइप का डिस्टेंस है। रिपीट करिए, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, राइट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिस्टेंस, भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वो भी एक प्रकार का डिस्टेंस है। ठीक, इन लाइनों से आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली एम्पलीट्यूड जो है वो भी क्या होती है, एक प्रकार की दूरी ही होती है, और दूरी होती है मतलब आपको दिख रहा है सीधे सीधे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट है, सीधे सीधे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, तो एम्पलीट्यूड्स ऑफ साउंड वेव को कायम मेजर करेंगे हम,
डिस्टेंस के यूनिट्स में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। डिस्टेंस के यूनिट मतलब मीटर में मेजर किया जा सकता है, सेंटीमीटर में मेजर किया जा सकता है, बराबर है। तो एम्पलीट्यूड्स को काय में मेजर करेंगे, किसके यूनिट्स में मेजर करेंगे, डिस्टेंस के यूनिट्स में हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, 98 के बाद देखें और क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी से आया है दूसरा क्वेश्चन। ध्यान रखिए बच्चों, अभी रिसेंट के एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एनडीए में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इस चैप्टर की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है अगेन। ठीक है, अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर। ठीक, चलिए लिखते चलते हैं। अ करंट ऑफ, भाई आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.6 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, कितना टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स। चलिए टाइम के साथ चलते हैं। T इक्वल्स टू है कितना, 10 मिनट्स। भाई ध्यान रखिए टाइम की SI यूनिट्स क्या होती है, सेकंड्स होती है। तो अगर मिनट्स में दे रखा हो टाइम, आवर्स में दे रखा हो टाइम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कन्वर्टेड टू सेकंड। ये कन्वर्ट होगा किसमें, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जो चूंकि 10 मिनट्स था एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, तो यहाँ 10 into क्या लिख देंगे, 60, और अब ये कन्वर्ट हो गया काय में, सेकंड्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Which one of the following is the amount of electric charge? भाई चार्ज का अमाउंट पूछा है, आवेश की मात्रा पूछ रहा है आपसे, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, और क्या पूछ रहा है हमसे, चार्ज का अमाउंट पूछ रहा है, राइट है। तो करंट के बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से चले जाते हैं, राइट है, वी नो दैट, आप सभी को पता होगा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। भी चार्ज आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी हो जाएगा, बराबर है। और अगर I इक्वल्स टू Q बाई टी हो जाएगा तो आपके सामने डाटा है, फॉर फाइंडिंग द चार्ज कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। बेटा Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी, राइट है, इज इक्वल्स टू करंट। I कितना हो जाएगा, 0.6, चलिए पुट करते हैं, ये हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, कितना निकाला आपने टाइम, 60 into 10, इट मीन्स 600 हो जाएगा, 60 into 10 इट मीन्स 600 हो जाएगा, राइट। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, ये डेसिमल पॉइंट से 10 हटा दीजिए, 66 जा कितना हो गया, 36 10 है, ये हो गया 360। तो Q इक्वल्स टू कितना आंसर निकल करके आ रहा है, 360 कूलम, कितना आंसर निकल करके आ रहा है, 360 कूलम, राइट है। तो ये आपका हो जाएगा 360 कूलम। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 360 कूलम हो जाएगा, क्लियर है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 पर आ जाते हैं। ठीक, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, राइट, क्या बोल रहा है, अ डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जनरेटर अ डिवाइस विच जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। प्रिंसिपल जो है मेन डिवाइसेस के, आप जरूर याद रखिएगा, आप ये देखेंगे कि प्रिंसिपल में भी एक या दो क्वेश्चन जो है वो आपको एनडीए में देखने को मिल जाएंगे, राइट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल आना चाहिए आपको, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल आना चाहिए आपको, ये जितने भी बड़े बड़े डिवाइसेस हैं उन सारे बड़े बड़े डिवाइसेस के प्रिंसिपल जो है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको एक या दो क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल से भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इधर आते हैं, क्या बोल रहा है अपने को, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक, ओम्स लॉ, बिल्कुल नहीं, ओम्स लॉ बेसिकली जनरेटर का प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग आंसर होगा ये भी। ठीक, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, राइट, ठीक, ये ओम्स लॉ हट गया। ठीक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बिल्कुल गलत, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट के फॉर्मूले पढ़े हैं, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इनटू टी, बिल्कुल भी प्रिंसिपल नहीं होगा हीट का भी, राइट है। चलिए आगे क्या लिखा, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेसिकली जनरेटर जो होते हैं, जनरेटर का प्रिंसिपल ही क्या है, इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबक की प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करेंगे, राइट है। देखिए सीधे सीधे ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक, तो बेटा जनरेटर का प्रिंसिपल यदि पूछा जाएगा बच्चों तो किसके साथ जाएंगे, हम सी के साथ में जाएंगे, सो फाइनल आंसर विल बी क्या होगा, सी होगा, करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 101, 101 वाला देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है अपने को, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइन यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, एम मीटर, वोल्ट मीटर, मैग्नेटिक नीडल और मोटर। क्लियर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी बच्चे को गलत करना चाहिए या फिर उससे गलत होंगे। ठीक है, देखिए एम मीटर बहुत सीधा सा हिसाब है, आपने पढ़ रखा होगा ये कहीं ना कहीं, टेंथ में भी आपने पढ़ रखा है, आप
क्लासेस वगैरह में भी पढ़ते हैं। देखिए एमीटर अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, भाई ये तो वो डिवाइस है। एमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है, राइट है। वोल्ट मेजर क्या मेजर करता है? भाई नाम से ही समझ में आ रहा, वोल्ट मीटर, स्टार्टिंग के चार वर्ड्स निकल लीजिए आप। वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल की। वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है, राइट है। इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर कुछ भी मेजर नहीं करती है, मोटर जो है वो तो क्या करती है भाई, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सॉरी बाई मिस्टेक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, राइट है क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फील्ड को काय से मेजर कर सकते हैं हम? मैग्नेटिक निडल से मेजर कर सकते हैं, राइट है। तो एम मीटर रॉन्ग आंसर है, वोल्ट मीटर रॉन्ग आंसर है, मोटर रॉन्ग आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक निडल। देखिए आपने 10th क्लास में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सुना होगा, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। भाई बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को देने वाले कौन थे? ओरस्टेड साहब थे। और ओरस्टेड साहब ने हमें बताया था कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास जो है वो किसी न किसी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो वहां पर उन्होंने किसका यूज किया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए? मैग्नेटिक निडल का यूज किया था, राइट है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक निडल का, ठीक है। चुंबकीय सुई का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या होना चाहिए। अगेन मैकेनिक्स वन डायमेंशन, आइए देखिए क्या बोल रहा है। Which one of the following statement about the speed and velocity? Which one of the following statement about the speed and velocity is correct? Speed के और velocity के दोनों के बीच में इनमें से कौन सा option जो है वो correct है? Clear है? देखिए speed क्या होती है बच्चों? दूरी बटे समय को हम क्या बोलते हैं? Speed बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक है। Wave क्या होता है? The rate of change of displacement with respect to time। समय के साथ साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? Wave कहलाती है। लेकिन अब देखते हैं option अपने को क्या बोल रहा है। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, बिल्कुल गलत है। स्पीड जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी जो है वो क्या है? वेक्टर है। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, बिल्कुल गलत है, ठीक। स्पीड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है। स्पीड क्या होती है? स्केलर। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर, राइट है। तो सी वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब डी वाले पर जाते हैं। स्पीड इज स्केलर और वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। आप याद रखना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, एंड वी फॉर वेलोसिटी एंड वी फॉर वेक्टर, क्लियर है। तो बेटा डी ऑप्शन जो है बच्चों को यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 102, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा भी लग करके यदि आप स्टडी करते हैं तो आपके लगभग क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन जो है आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं। आइए 131 देखिए आप। अगेन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। आओ ध्यान से सुनते हैं। टू कॉन्वेक्स लेंसेस, सबसे पहले यहां ध्यान रखिए कितने लेंसेज बोले हैं उसने, कॉन्वेक्स लेंसेस। देखो बच्चों रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट होता है। विदाउट साइन कन्वेंशन हम रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी करेक्ट जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो कॉन्वेक्स लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। भाई दो कॉन्वेक्स लेंसेस है और दोनों की फोकल लेंथ जो है वो गिवन है। आओ लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए एफ वन कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर, राइट है। एफ टू कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर, क्लियर है, राइट। इफ दीज टू लेंसेस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं दोनों लेंसेस, कैसे रखे हुए हैं? कॉम्बिनेशन, पहला लेंस दूसरा लेंस, राइट। कैसे रखे हुए हैं? कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं। इफ दीज टू लेंसेस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन द नेट पावर, क्या पूछा है बच्चों यहाँ पर? हमसे पूछा है नेट पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी, हमें बताने हैं कि दो कॉन्वेक्स लेंस यदि एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में या कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं तो उनकी टोटल पावर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? टोटल पावर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो पहले फॉर्मूले पर जाते हैं। याद रखिए यदि दो लेंस हैं और दोनों की यदि अपनी अपनी फोकल लेंथ गिवन है तो ध्यान रखिए कंबाइन फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। कंबाइन फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/F = 1/F1 प्लस कितना है 1/F2, ठीक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंबाइन फोकल लेंथ। यदि कंबाइन पावर पूछी जाएगी तो क्या करेंगे? तो ये आपको याद होना चाहिए द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। भाई फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। और यहाँ हमसे पूछा क्या है? नेट पावर ही पूछा, नेट शक्ति ही पूछा है।
तो यदि फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा, पावर कहलाएगा, तो 1 बाय एफ की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, पी लिखा जा सकता है। 1 बाय एफ1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, पी1 लिखा जा सकता है। और 1 बाय एफ2 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, पी2 लिखा जा सकता है। ठीक, यदि दोनों की शक्तियां दे रखी, यदि दोनों की पावर दे रखी है, तो दोनों की शक्तियां दे रखी है तो सीधे सीधे पी बराबर से किस पर जाएंगे, पी1 प्लस पी2 से जाएंगे, राइट है क्या। लेकिन अगर शक्ति के बजाय आपको क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, भाई एक का F1 है, दूसरे का कितना है, F2 है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं, जहाँ पर 1 बाय एफ लिखा हुआ है उस 1 बाय एफ को मैं क्या लिख देता हूँ, 1 बाय एफ को मैं क्या लिख देता हूँ, P लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 1 बाय F1। ठीक, ध्यान रखिए, यदि फोकस दूरी काय में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, तो हम 1 बाय एफ के हिसाब से जाएंगे। और यदि फोकस दूरी काय में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ध्यान रखिए जब आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर का -2 जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, बच्चों ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो फोकस यदि काय में है, मीटर में है, तो 1 बाय एफ लिखेंगे। और यदि फोकस काय में है, सेंटीमीटर में है, तो हम 1 बाय एफ के बजाय क्या लिखेंगे, 100 बाय एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100 बाय एफ। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने 1 बाय एफ की जगह पे क्या लिख दिया, पी लिख दिया। ठीक है, 1 अपॉन F1 को मैंने क्या लिखा, 100 डिवाइडेड बाय कितना है, F1। ठीक है, देखिए फोकल लेंथ काय में दे रखी है, ये भी सेंटीमीटर में है वैल्यू। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है वो भी काय में है, सेंटीमीटर में, राइट है। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू है वो भी काय में है, ये दे रखिए आपको, सेकंड वैल्यू काय में है 25 सेंटीमीटर, ये भी काय में दे रखिए आपको, सेंटीमीटर में दे रखिए। तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, देन फॉर फाइंडिंग द पावर हम यूज करेंगे 100 डिवाइडेड बाय कितना है, F। ठीक है, तो मैंने 1 बाय F को तो क्या लिख दिया है, P लिख दिया है। ठीक, 1 बाय F1 को मैंने लिखा है 100 बाय F1 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय कितना है, F2। ठीक है, चूंकि दोनों लेंस कैसे हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखिए साइन कन्वेंशन, बता देता हूं मैं आपको और भी चीजें। साइन कन्वेंशन की यदि बात की जाएगी तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगेन आई रिपीट द सेम लाइन, ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स लेंस की यदि बात की जा रही है तो पावर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तीनों ही कॉन्वेक्स के लिए क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, तीनों ही कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। और यदि यहां पर कॉन्वेक्स के बजाय क्या होता, कॉनकेव होता, तो हम कॉनकेव के लिए तीनों को क्या लिखते, माइनस लिखते। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, राइट है। तो चूंकि दोनों लेंस कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए मैं दोनों की फोकस दूरी क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूं, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, चलिए, F1 F2 कोई साइन कन्वेंशन का उपयोग नहीं किया, कोई माइनस नहीं लगाया, बिकॉज दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं। आओ सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू इक्वेट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय F1। बच्चों F1 कितना है, 50 है, राइट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 100 F2 कितना है बच्चों, 25 है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये कितने बार कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, 2 times। ये कितने बार कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, 4 times। बेटा P बराबर से क्या हो जाएगा, 2 प्लस कितना है, 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। और यूनिट क्या लिखते हैं हम, डायोप्टर। ठीक है, यदि दोनों लेंस कैसे हैं, कॉन्वेक्स है, तो उत्तर काय में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, राइट है। तो पॉजिटिव में आएगा, तो देखिए आप, दो ऑप्शन तो हम, हमारे पास एक ऑप्शन तो इसी हम हट जाता है यहाँ से, चूंकि सी वाला आंसर काय में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, तो माइनस में तो आंसर आने से रहा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6 डायोप्टर आ रहा है फॉर्मूले का यूज करके। तो आंसर हम किसके साथ में जाएंगे, प्लस 6 डायोप्टर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 6 डायोप्टर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, राइट है, थोड़ा और स्पीड से लेते हैं जरा इसको, राइट है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 132। अगेन ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी से रिपीट हुआ है। मैं अभी इससे पहले ऑलरेडी 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सॉल्व कर चुका हूं, और ये आपके सामने 3rd क्वेश्चन जो है वो है। तो ध्यान रखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। कम से कम आपको 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। लास्ट टाइम भी रिपीट हुए थे, और उसके पहले वाले पेपर में भी इलेक्ट्रिसिटी से जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन नॉट, चलो इसको अंडरलाइन करो। देखो हम कई बार फ्लो में रहते हैं एग्जाम में, तो हम जो बेसिक आंसर हमें लगाना होता है वो हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ भी नॉट आ रहा है, कैन नॉट आ रहा है, उसको जरूर फोकस करिए। ठीक है, तो बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, इनमें से विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है, नॉट पूछा है। ठीक, चलिए, पावर अभी बताया था, पहला फार्मूला V into I, दूसरा फार्मूला V² / R होता है, तीसरा फार्मूला I² * R होता है, राइट है। आपके सामने है तीनों फार्मूले, आप देख लीजिए, इनको छोड़कर जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। V into I उसने पूछा नॉट, तो V into I तो होता है। ठीक, I² / R ध्यान दीजिए क्या होता है, क्या होता है बच्चों, I² R, क्या I² / R होता है, नहीं, क्या होता है, I² * R, राइट है। ये B वाला ऑप्शन जो है क्या है, कैन नॉट,
बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका आंसर नहीं है। और नीचे देख लीजिए, आई स्क्वायर इंटू आर बिल्कुल है फॉर्मूला, और नीचे उतरिए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल है फोर्थ ऑप्शन, क्लियर है। तो बी वाला जो है वो थोड़ा सा ऑप्शन क्या है गड़बड़ है, आई स्क्वायर अपॉन आर इज नॉट द फॉर्मूला फॉर पावर, बेसिकली फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है रॉन्ग आंसर कौन सा है, बराबर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। ऑप्टिक्स से दूसरा क्वेश्चन है ये, इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन करा था जो बेसिकली फोकल लेंथ वाला था, अभी जस्ट एक क्वेश्चन के पहले, तो मैंने बोला कि हम चूंकि ये सीरीज लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर की, तो हम ये भी अंदाजा लगाता चलेंगे कि किस चैप्टर में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस साल पूछे गए हैं। तो हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी से हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और ऑप्टिक्स से ये अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से अभी तक तीन क्वेश्चन हो गए हैं और ऑप्टिक्स से ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, दो प्रकार के ग्लास के मटेरियल होते हैं यहाँ पर बेसिकली ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में, भाई एक तो क्राउन ग्लास जैसे शब्द का उपयोग किया जाता है और दूसरा फ्लिंट ग्लास जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम ही होता है, भाई एक का 1.52 होता है, एक का 1.55 होता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज क्लोज टू, चलो अपवर्तनांक दे रखा है क्राउन ग्लास का, लिख लेते हैं यहाँ पर अपवर्तनांक दे रखा है क्राउन ग्लास का, म्यू से डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है बच्चों, 3/2 दे रखा है, ठीक। ये सबसे सही मेथड है, डाटा गिवन है, तुरंत लिखिए कॉपी में, तो इससे एक्यूरेसी जो है वो आपकी बढ़ेगी, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज क्लोज टू कितना है बच्चों, 3/2 है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी, भाई अगर स्पीड ऑफ लाइट लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट वी ए लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने, वी ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यदि एयर में लाइट की स्पीड कितनी दे रखी है, सी दे रखी है, चलिए कितनी लगाते हैं, सी लगाते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द क्राउन ग्लास इज, स्पीड ऑफ लाइट इन काय में पूछी है, क्राउन ग्लास, भाई चूंकि ग्लास जो है वो एक प्रकार का मटेरियल मीडियम है, एक प्रकार का डेंसर मीडियम है, तो हम उस डेंसर मीडियम के अंदर या ग्लास के अंदर लाइट की वेलोसिटी को डिनोट कर देते हैं काय से, वी एम से, क्लियर है। तो वी एम की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्राउन ग्लास के अंदर हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेग निकालना है, क्लियर है। चलो लगा लेते हैं फॉर्मूला, देखिए अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा, राइट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक का सूत्र होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। भाई वायु में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, सीधे सीधे सूत्र लगाया, म्यू बराबर से वी ए डिवाइडेड बाय कितना हो गया, वी एम। आओ चलो वैल्यू इक्वेट करते हैं, भाई म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/2 है, ये लिखा 3/2, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना दे रखा है, प्रकाश का वेग वायु में कितना दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, सी दे रखा है, चलिए सी पुट करते हैं, ये हो जाएगा सी बराबर है, डिवाइडेड बाय वी एम। अरे भाई ये तो निकालना है बच्चों, वी एम की वैल्यू तो क्या करनी है, फाइंड करनी है, और सॉल्व करते हैं, एक काम कीजिए वी एम को शिफ्ट करिए यहाँ पर, तो वी एम कहाँ पर आ गया, 3/2 की जगह पे आ गया, ठीक। इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 3/2 को कहाँ शिफ्ट कर लिया हमने, वी एम की जगह पे, ये हो गया 3/2, चूंकि सी अपॉन 3 है और 3 के अपॉन में 2 है, तो ये 2 किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, राइट है। चलिए ये 2 को ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं, तो 2 को जब ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे तो वी एम इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 2 साथ में क्या है, सी डिवाइडेड बाय कितना है, 3, तो वी एम का आंसर आपका क्या निकल करके आया, 2/3 से निकल करके आया, वी एम का आंसर कितना निकल करके आया, 2/3 सी निकल करके आया, ठीक। आओ ऑप्शन में मिला लेते हैं, ठीक, पहला 3/2 सी है, नहीं बिल्कुल मैच नहीं कर रहा हमारे आंसर से, 4/9 सी है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा हमारे आंसर से, 2/3 सी चेक करिए इसको, 2/3 सी चेक करिए इसको, ठीक, 2/3 सी चेक करिए इसको, 2/3 सी, राइट है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। ध्यान रखिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है वायु में प्रकाश का वेग डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश का वेग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, क्लियर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। तो बेटा इसका जो है बच्चों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक, और आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फ्लूइड से दूसरा क्वेश्चन आया है ये,
इससे पहले हमने फ्लूइड से एक क्वेश्चन सॉल्व करा था अभी एवरेज डेंसिटी का, जिसका आंसर हमने लगाया था 3 ρ0 / 2। ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो फ्लूइड से आपके सामने है। तो इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों कितने क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक? 3। ऑप्टिक से बच्चों कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 2। और फ्लूइड से बच्चों ये कितने, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, आओ देखें क्या है। द वॉल्यूम ऑफ अ सील्ड पैकेट, एक पैकेट है, उस पैकेट के वॉल्यूम की बात हो रही है। द वॉल्यूम ऑफ अ सील्ड पैकेट इज 1 लीटर। ठीक, एक पैकेट है, एक सील्ड पैकेट है, उसका वॉल्यूम गिवन है, उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना? 1 लीटर। क्लियर? चलिए, लीटर में प्रॉब्लम है समझने में, ध्यान रखिए। 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ होता है। तो जिन लोगों को यदि लीटर में क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो कन्वर्जन ध्यान रखिए, लीटर भी वॉल्यूम की यूनिट है, मीटर क्यूब भी वॉल्यूम की यूनिट है, और 1 लीटर बराबर से 10⁻³ होता है। कन्वर्ट करके लिख देता हूँ मैं, 10⁻³ राइट है। सील्ड पैकेट का वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर एंड इट्स मास इज 800 ग्राम, और इसका मास दे रखा है कितना? इसका मास दे रखा है कितना? 800 ग्राम। बहुत अच्छी बात है, मास दे रखा है 800 ग्राम। ठीक है, द पैकेट इज फर्स्ट पुट इनसाइड द वाटर। अब उस पैकेट को उठाया है, उठा करके सबसे पहले काय में डाला है? पानी में डाला है, वाटर में डाला है। जिसकी डेंसिटी कितनी है? वाटर जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1 ग्राम/cm³। अच्छी बात है, पानी की डेंसिटी घनत्व में मेंशन कर दिया है। बोले एक सील पैकेट है, सील पैकेट का वॉल्यूम जो है वो कितना है? 1 लीटर है। मास कितना है? 800 ग्राम है, बराबर है। ठीक है, और बोले उसको सबसे पहले काय में डाला है? वाटर में डाला है। जिसकी डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम/cm³ है। ठीक है, एंड देन इन अनदर लिक्विड बी, और एक और लिक्विड है, एक और द्रव है इनके पास, बी वाला एक लिक्विड है, नाम मेंशन नहीं किया है। बोले उसको फिर क्या करते हैं? पानी में डालने के बाद निकाल करके उसको काय में डालते हैं? बी वाले लिक्विड में डालते हैं। काय में डालते हैं? बी वाले लिक्विड में डालते हैं। एंड देन इन अनदर लिक्विड बी विथ डेंसिटी ऑफ, चलिए बी लिक्विड, ये लिक्विड बी है, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? इसकी डेंसिटी दे रखी है कितनी? 1.5 ग्राम/cm³। बोलो राइट है क्या? देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, तो वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। देखो क्या होता है, जब क्वेश्चन की लाइंस क्या होती है, जब क्वेश्चन लेंथी होता है, जब क्वेश्चन के वर्ड्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर तब करेक्ट लगा पाएंगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा टारगेट यही होना चाहिए लेंथी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को रीड करके पहले हमें क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट में आपको उसको बताता हूँ मैं। बेसिकली क्या है, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक सील्ड पैकेट ऑब्जेक्ट लिया है, जिसका मास और वॉल्यूम क्या कर दिया इन्होंने हमको क्लियर कर दिया है। अब हमें पहले सील्ड पैकेट सब्सटेंस की क्या निकालना पड़ेगी, हम पहले इस सील्ड पैकेट सब्सटेंस का डेंसिटी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम? डेंसिटी, क्योंकि क्वेश्चन रीड करके हमें समझ में आ रहा है कि भाई सील्ड पैकेट सब्सटेंस को पहले काय में डिप्ड करा है, वाटर में, पहले इन्होंने जल में डाला है, जल का डेंसिटी घनत्व दे रखा है, फिर उससे निकाल करके कोई एक दूसरा लिक्विड है, सेकंड लिक्विड है, बी वाले लिक्विड में डाला है, जिसकी डेंसिटी उन्होंने दे रखी कितनी है? 1.5 ग्राम/cm³ है। ठीक है, अब ये पूछना चाह रहे हैं द पैकेट विल फ्लोट इन बोथ वाटर एंड लिक्विड बी। मतलब ये जो है बेटा आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें ये पता करना पड़ेगा कि सब्सटेंस या वाटर या लिक्विड बी जो है इन तीनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है। हमें ये पता करना पड़ेगा कि किसका घनत्व ज़्यादा है और किसका घनत्व कम है, क्योंकि यदि जिस पैकेट की ये बात कर रहे हैं, यदि उस पैकेट की डेंसिटी ज़्यादा होगी दोनों लिक्विड से, वाटर से और बी वाले लिक्विड से, तो ये पैकेट जो है बेसिकली उन दोनों लिक्विड के अंदर जाकर के सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। और अगर पैकेट की डेंसिटी क्या है, इन दोनों लिक्विड की डेंसिटी से क्या होगी? कम होगी। तो ये जो आपका पैकेट है ये उन दोनों लिक्विड के अंदर क्या करेगा? फ्लोट करेगा, या फिर जिससे ज्यादा होगी उसमें सिंक करेगा, और जिस लिक्विड से कम होगी उसमें जाकर के क्या करेगा? ये फ्लोट करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, चूंकि हमें बी वाले लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, चूंकि हमें वाटर की डेंसिटी भी दे रखी है, तो हम एक काम करते हैं सब्सटेंस की डेंसिटी क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए डाटा हमारे सामने है, तो हमने लिखा यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का घनत्व, क्या सूत्र होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं जैसा कि यूनिट देख पा रहा हूँ क्वेश्चन में, यूनिट दोनों कायम दे रखी है। देखो वाटर की डेंसिटी भी कायम है सीजीएस में है, और बी वाले लिक्विड की डेंसिटी भी कायम है बच्चों सीजीएस में, सीजीएस मात्रक में। ठीक है, तो हमें ये जो वैल्यू निकालनी है वो कायम में निकालनी है, सीजीएस मात्रक में निकाल लेंगे। अब सीजीएस मात्रक में निकाल लेंगे तो आप देखिए कि मास जो है, द्रव्यमान जो है बच्चों, वो तो ऑलरेडी कायम दे रखा है, ग्राम में ही दे रखा है, तो यहाँ तो मैं क्या लिख दूंगा? 800 ग्राम/, लेकिन वॉल्यूम कायम है बच्चों लीटर में। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कन्वर्जन बताया कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 10⁻³ होते हैं, लेकिन लीटर को यदि सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा तो आओ कर लेते हैं कन्वर्ट यहाँ पर।
एक लीटर में 10^-3 m³ है, ठीक है। अब 10^-3 m³ को क्या करें, यदि सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1 m में क्या होना चाहिए, उल्टा चलते हैं, चलिए 1 cm में क्या होता है, 10^-2 m होता है। भाई 1 cm में 10^-2 m होगा तो 1 m में क्या हो जाएगा, 10^+2 cm हो जाएगा। 1 m में क्या हो जाएगा, 10^+2 cm हो जाएगा, राइट है। और यहाँ पर कितने मीटर है हमारे पास, 3 m है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो +2, +2 और +2 कितना हो जाएगा, 10^6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10^6 हो जाएगा, राइट है, ठीक। तो 1 l इक्वल्स टू 10^-3 m³ हो गया है। 10^-3 m³ को यदि हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो -3 जो है वो कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, बेसिकली इट विल बी कन्वर्टेड टू 10^6 हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, जरा कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन, आओ चेक कर लेते हैं इसको अपन, ठीक है। वॉल्यूम काय में गिवन है, एक बार फिर क्वेश्चन पर जाते हैं। वॉल्यूम काय में दे रखा है बच्चों, लीटर में दे रखा है। मास काय में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, क्लियर है, ठीक है। एक काम करिए, समय ज़्यादा लग रहा है, एक काम करते हैं, काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो 800 g को SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 800 g में कितने किलोग्राम होंगे, तो ये मैंने लिखा 800 × 10^-3। बच्चों काय में कन्वर्ट हो गया ये किलोग्राम, राइट है। अच्छा, वॉल्यूम काय में दे रखा था बच्चों 1 l, 1 l को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा, कितना हो गया, 10^-3, ठीक, 10^-3, ये लीजिए पूरी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना चाहिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बोलो, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या करना चाहिए। तो भाई हमने देखा कि 1 l को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा तो 10^-3 m³, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करा तो 10^ कितना आ गया, -3 m³, ठीक। -3 से -3 क्या हो गया, कैंसल आउट। तो हम डेंसिटी कितनी निकाल रहे हैं, हम डेंसिटी निकाल रहे 800, और ये बेसिकली काय में आ रहा है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ रहा है, काय में आ रहा है ये, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ रहा है, राइट है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 800 मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम में कितने, 1000 g होंगे, ये कन्वर्ट हो गया काय में, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मीटर, यदि सेंटीमीटर में होता तो 1 cm में 10^-2 m होते हैं, 1 m में कितने हो जाएंगे, 10^+2 cm हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10^+2, 10^+2, 10^+2, क्या कर रहा हूँ बच्चों मैं, चूंकि मीटर क्यूब है तो मीटर × मीटर × मीटर, देखिए आपको आसान लगे इसलिए मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब बच्चों ये काय में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर क्यूब में, देखो जरा क्या आ रहा है सॉल्व करने पर आंसर। तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर कितने जीरो हैं, 5, और नीचे 2+2+2 कितने जीरो हैं, 6। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर के पाँच जीरो में से नीचे के 5 0 हम क्या कर देते हैं, कैंसल आउट। तो ये बच जाएगा 8/10, और 8/10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना आ रहा है, 0.8 g/cm³। चेक करिए बच्चों, कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ सब्सटेंस की डेंसिटी या पदार्थ का घनत्व निकाल लेना है, और जो हम निकाल चुके हैं कितना आ रहा है उत्तर, 0.8 g/cm³। अब क्या बोलता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, क्या बोलता है कि अगर किसी पदार्थ का घनत्व, आप उसको जिस किसी भी द्रव के अंदर डाल रहे हैं, यदि उसके घनत्व से ज़्यादा है तो वो उसके अंदर जाकर के डूब जाएगा, और अगर पदार्थ का घनत्व जो है, सब्सटेंस की डेंसिटी जो है, वो लिक्विड की डेंसिटी से यदि क्या है, कम है, तो बेसिकली वो सब्सटेंस जो है वो उस लिक्विड में जाकर के क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट। तो देखिए आप वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 g/cm³, लेकिन हमारे सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है, 0.8 g/cm³। मतलब सब्सटेंस जब पानी के अंदर गया तो चूंकि पदार्थ का घनत्व कम है, 0.8 है, तो ये वाटर में जाकर के क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। फिर जो बी वाला लिक्विड था उसका घनत्व कितना है, 1.5 है, मतलब बी वाले लिक्विड की भी डेंसिटी पदार्थ की डेंसिटी या घनत्व से क्या है, अधिक है। मतलब सब्सटेंस जब इस लिक्विड में जाएगा तो इसमें जाकर के भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो हमने ये क्लियर कर लिया है कि पदार्थ जो है उसकी डेंसिटी दोनों लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, कम है, मतलब वो दोनों ही लिक्विड में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं, द पैकेट विल फ्लोट इन बोथ वाटर एंड लिक्विड, बी, बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला आंसर, ठीक है। द पैकेट विल सिंक इन बोथ द वाटर, रॉन्ग है, ठीक, पैकेट विल सिंक इन वाटर, ठीक है, एंड विल फ्लोट इन लिक्विड, बी। तो चूंकि अब हम एक्यूरेसी के साथ में ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले गए, हमारा आंसर परफेक्ट आ गया, तो अब नीचे वाले ऑप्शन जो है वो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ए, दोनों ही द्रव के अंदर जाकर के, पानी के अंदर, लिक्विड बी के अंदर, दोनों में जाकर के सब्सटेंस क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि इसका घनत्व, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं
ठीक, सिंपल पेंडुलम SHM, पहला क्वेश्चन। देखो SHM से, सिंपल पेंडुलम से बराबर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये रहा देखा आपके सामने, ठीक है। क्या बोल रहा है, द सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m, ठीक। एक सरल लोलक है जिसके जिसके लोलक का द्रव्यमान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, m दे रखा है, ठीक है। एंड स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कितनी है, l है, हैज अ टाइम पीरियड कितना है, t है, ठीक है। m द्रव्यमान है, धागे की लंबाई l है, टाइम पीरियड आवर्तकाल कितना है, t है। बोलो क्लियर है क्या, ठीक। इफ द मास ऑफ द बॉब इज डबल, ठीक, लाइन पे गौर करिए, यदि बॉब का मास क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, ठीक है, अच्छी बात है। यदि बॉब का मास क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज हाफ, और धागे की लंबाई को यदि क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, ठीक, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज हाफ, देन द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम विल बी। तो बोले सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू अब क्या हो जानी चाहिए, जब बॉब के मास को भी क्या कर दिया है, बॉब के मास को भी चेंज कर दिया है, पहले के रिस्पेक्ट में डबल कर दिया है, और धागे की लंबाई को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। चलो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। सो वी ऑलरेडी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T=2π√L/g, चेक करिए। अरे भाई फॉर्मूले में कहीं भी मास आ ही नहीं रहा है, देखिए आप पूरे फॉर्मूले में कहीं मास है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे क्या समझ में आ जाना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो कभी भी बॉब के मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो बॉब के मास को आधा करो, हाफ करो, कंप्लीट करो, कितना भी करें आप, मास चेंज करने पर टाइम पीरियड या आवर्तकाल में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मास वाली लाइन पे तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, इसको तो क्रॉस कर देना है, द्रव्यमान पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। चलिए यदि द्रव्यमान हटाया, मास हटाया, तो अब सेकेंड लाइन क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, यदि हाफ है, भाई मान लीजिए धागे की लंबाई को क्या कर दिया, आधा कर दिया है, तो यदि आवर्तकाल चेंज होगा, यदि टाइम पीरियड चेंज होगा, तो टाइम पीरियड मास के कारण चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान के कारण कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यदि परिवर्तित होगा तो किसके कारण परिवर्तित होगा, लेंथ के कारण, लंबाई के कारण क्या होगा, चेंज होगा। और हमें सूत्र में देख करके समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड जो है बेसिकली अंडर रूट्स ऑफ एल के क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और यदि लंबाई क्या होगी, कम होगी, तो आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा। अच्छा यहाँ क्या कर रहे हैं, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, भाई लंबाई को क्या कर रहे हैं, ये आधा कर रहे हैं। और यदि लंबाई को आधा कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ से देखते हैं अपन, एक बात बताइए आप, यदि लंबाई को आधा कर रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। आप चाहें तो इसकी क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन भी बना सकते हैं। कैसे बनेगी दो इक्वेशन, देखो मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेता हूँ, T1 बाय कितना है T2 इजिकल्स टू अंडर रूट्स ऑफ क्या करूँ, L1 डिवाइडेड बाय कितना है L2। T1 क्या है, पहले टाइम पीरियड जब लंबाई कितनी थी, L थी। L1 क्या, पहली लंबाई ले लेते हैं, L1 का मान L हो जाएगा। T2 क्या है, जब आपने लंबाई को आधा कर दिया है तब आवर्तकाल कितना होगा, T2 होगा, और L2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। क्लियर है, वन वाले डाटा इनिशियल वाले हैं, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को करने से पहले T1 L1 पहले टाइम पीरियड पहली लंबाई, और टू वाले जो डाटा है T2 L2 ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन को करने के बाद का टाइम पीरियड, बाद की लंबाई। चलो वैल्यू इक्वेट कर देते हैं, पहले टाइम पीरियड कितना ले लेते हैं, T ले लेते हैं, बाद का टाइम पीरियड क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। L1 बच्चों पहले लंबाई कितनी थी, तो सर पहले लंबाई तो L ही लेंगे, राइट है, पहले लंबाई कितनी ले लेते हैं, L ले लेते हैं। अच्छा फिर L2 पर आते हैं, भाई साहब L2 क्या बोला है उसने, L2 उसने बोला है कि अब लेंथ को क्या कर रहे हैं आप, हाफ कर रहे हैं, चलो लेंथ को हाफ कर दो, तो L2 की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, L बाय कितना है 2, और नीचे वाला 2 शिफ्ट होकर के किधर आ जाएगा, ऊपर, भाई L बाय 2 लिखेंगे तो नीचे वाला 2 किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। चलिए L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, जी बिल्कुल कैंसिल आउट होगा, तो क्या आ गया बच्चों, T बाय कितना है T2 इजिकल्स टू कितना हो गया, √2 आ जाएगा, ठीक। चूंकि T2 फाइंड करना है तो इसको उल्टा कर देंगे हम, राइट है, तो ये T2 बराबर से क्या हो जाएगा बच्चों, ये ठीक है, T2 बराबर से क्या हो जाएगा, तो T2 बराबर से ये हो जाएगा T डिवाइडेड बाय कितना है 2, √2, चेक करिए। तो आपने देखा कि लंबाई को आधा करने पर टाइम पीरियड जो है वो कितने से परिवर्तित हो रहा है, T बाय √2 से परिवर्तित हो रहा है, ठीक। बेटा ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, आप सुन लीजिए किस प्रकार से करना है। देखो सीधा सा हिसाब है, यदि लंबाई कम हो रही है तो आवर्तकाल भी क्या होगा, कम होगा। इन्होंने बोला है कि लंबाई क्या कर दी, हाफ कर दी है, तो चूंकि L जो है वो रूट के अंदर है, तो 1 का रूट तो कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हाफ में नीचे जो 2 आ रहा है उसका रूट कितना होगा, √2 लिखेंगे हम, बराबर है। तो लंबाई क्या हो रही, कम हो रही है, तो आवर्तकाल भी क्या होगा, कम होगा, टाइम पीरियड भी कम होगा, लेकिन कितने से कम होगा, √2 से कम होगा, कितने से कम होगा, √2 से। बट ठीक है, ये आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक। तो बेटा आवर्तकाल बच्चों कितना आ गया, T/√2, और हमें दिख रहा है कि बी वाला ऑप्शन क्या है, T/√2। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, T/√2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं।
चले क्वेश्चन नंबर 136 पर आते हैं, ठीक है 136 पर आते हैं, फिर वही बात, डिवाइसेस के प्रिंसिपल जरूर ध्यान रखेंगे, जरूर नज़र रखेंगे हम उन पर। देखिए ये आपका क्वेश्चन आ गया है, ठीक, लगभग या तो प्रिंसिपल पे बेस्ड है या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ये क्वेश्चन हो सकता है। क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, इनमें से किस डिवाइस के अंदर लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने, ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पर जाते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, पहला ऑप्शन क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड जो है बेटा ये क्या करता है भैया, लाइट जो है वो आपकी इमिट करेगा, ठीक है। लेजर डायोड बराबर है, लेजर डायोड करता है, बिल्कुल भी नहीं करता लेजर डायोड, ठीक है। चलिए सोलार सेल पर आते हैं, हाँ जी यही तो है वो जिसको हम ढूंढ रहे हैं। सोलार सेल क्या करता है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है। तो हम किसके साथ जाएंगे, सोलार सेल के साथ। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का बेटा एक अलग, देखो बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही हैं। देखो पहले में भी डायोड है, दूसरे में भी डायोड है, सोलार सेल जो ये भी एक प्रकार का डायोड है, ट्रांजिस्टर जो ये ट्रायोड होता है एक प्रकार का, तो ये तो सारे ही क्या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लेकिन उनमें से लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोलार सेल का यूज करते हैं, ठीक है। सोर सेल का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। आई बच्चों बात समझ में, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सोलार सेल जो है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 सुनहरे अक्षरों में अंडरलाइन करिए इसको, क्या दे रखा है, सोनार, क्या दे रखा है, सोनार, हाँ जी। सबसे पहले फुल फॉर्म सुन लीजिए आप सोनार का, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सी में, ओशन में बॉटम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट या डेप्थ को मेजर करने के लिए हम सोनार का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और सोनार में बेसिकली हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनार इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट बाय अ शिप। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव, किस प्रकार की तरंग, डज इट यूज फॉर दिस पर्पस, सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बोल के बताया कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में वी विल यूज अ अल्ट्रासोनिक वेव। ढूंढो, ढूंढिए 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 ऑप्शन में, ढूंढिए ऑप्शन में। इंफ्रासोनिक, नहीं 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 बिल्कुल गलत है, साउंड वेव ऑडिबल बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी, आवर करेक्ट आंसर विल बी अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, नहीं 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 बिल्कुल करेक्ट नहीं है, कौन सा आंसर करेक्ट है, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों का हम क्या करते हैं इसमें, पराश्रव्य तरंगों का क्या करते हैं हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। साउंड कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्वनि से कितने क्वेश्चन आ गए हैं, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, एक इससे पहले वाला और एक ये वाला, ठीक है। आप इसको बिल्कुल आप नोट करते चलिएगा, कहीं ना कहीं आप इसके इसका पैटर्न समझने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रिसिटी से कितने, 3 या 4 क्वेश्चन बराबर है। साउंड से कितने क्वेश्चन हो गए, 2। ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन हो गए, 2। फ्लूइड से कितने क्वेश्चन हो गए, 2। मैकेनिक से कितने क्वेश्चन हो गए, 2। ध्यान रखिएगा, पैटर्न समझना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज नॉट करेक्ट, फिर से अंडरलाइन करिए, फिर से अंडरलाइन करिए। क्या बोल रहा है, इनमें से, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ध्वनि तरंगों की चाल से संबंधित कौन सा सही नहीं है, बोल रहा है, ठीक। ध्वनि तरंगों की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहा है, राइट। चलो आते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन स्टील इज हायर देन दैट ऑफ वाटर, अरे बिल्कुल है, बिल्कुल, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, स्टील मेटल है भाई, और मेटल में तो क्या होता है 15-16 टाइम्स जो है वो साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट करेक्ट चाहिए, पहला आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बच्चों ध्यान रखो, बच्चों ध्यान रखो, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, बच्चों ध्यान रखो। साउंड वेव की वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर या ताप के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अरे ताप बढ़ाने पर तो क्या होना चाहिए,
ताप बढ़ाने पर तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि तापमान में वृद्धि करने पर वेग क्या होता है, कम होता है। चलो नीचे के दो ऑप्शन देख लेते हैं। बी वाला ऑप्शन गलत लग रहा है, राइट है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चूंकि ताप के कैसे अनुक्रमानुपाती है, तो ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि तरंग का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट है, लेकिन उसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, बराबर है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर इज हायर देन दैट इन एयर, बिल्कुल करेक्ट है। एयर के रिस्पेक्ट में यदि बात करेंगे तो वाटर के अंदर साउंड की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो चूंकि वी प्रोपोर्शनल अंडर रूट्स ऑफ टी है, तो हम देख रहे हैं कि बी वाला ऑप्शन जो है वो हमें क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, नॉट करेक्ट है। ये ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर वेग क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर, बी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर 4, राइट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन बनेंगे और बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा कोई बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आप यदि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को यदि आपको ज्ञान है तो आप 4 क्वेश्चन कम से कम सही करेंगे, 16 मार्क्स आपको इलेक्ट्रिसिटी ही दे करके जाएगा, राइट है। चले आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इनकंडेंसेंट बल्ब, बल्ब के अंदर का क्या पूछा जा रहा है, फिलामेंट, बल्ब के अंदर का क्या पूछा जा रहा है, तंतु, राइट है। चलो सभी को मालूम होना चाहिए, बल्ब के अंदर हम ऐसे तंतु का उपयोग करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, गलनांक जो है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। भाई चूंकि आप बल्ब जलाएंगे तो भाई आधा घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे, छः घंटे, कितने भी समय तक हम बल्ब को जला सकते हैं। तो बल्ब में हमें ऐसा तंतु चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। आई क्या बात समझ में, ठीक है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, राइट है। जैसे कि टंगस्टन हो सकता है, राइट है, दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में, जैसे कि क्या हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, क्लियर है। टंगस्टन के बाद और बोल सकते हैं आप, नाइक्रोम बोल सकते हैं, बट बेसिकली हम यूज किसका करते हैं, टंगस्टन का करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, टंगस्टन है, बच्चों के कौन से उत्तर के साथ में जाने वाले हैं, टंगस्टन के साथ में जाएंगे, ठीक है। तो बल्ब के अंदर बेसिकली किसका यूज करते हैं हम, टंगस्टन का जो है, ऑप्शन के हिसाब से हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 मैकेनिक्स का भी तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, मैकेनिक्स का कौन सा क्वेश्चन है, इट इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स से संबंधित तीसरा सवाल है, बराबर है। चलिए क्या बोल रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक। देखिए फिर वही बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, डाटा लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, क्लियर, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या बोल रहा है ये, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। चलिए बुलेट पहला ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बुलेट है, राइट है। अगर पहला ऑब्जेक्ट बुलेट है बच्चों, तो हम यहाँ लिख देते हैं M1 से डिनोट कर देता हूँ मैं, ठीक है। कितना है बच्चों, 10 ग्राम है, राइट है। लेकिन सुनिए जरा एक मिनट भाई, चूंकि मैं देख रहा हूँ ऑप्शन जो है वो सारे के सारे कायम है मीटर पर सेकंड में है, भाई ऑप्शन सारे के सारे कायम है मीटर पर सेकंड में, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं SI में और डाटा हमें दे रहा है कायम में CGS में, तो हम क्या करते चलेंगे, चूंकि हमें आंसर कायम में निकालना पड़ेगा, SI में निकालना पड़ेगा, तो हम पहले डाटा को कन्वर्ट करते चलेंगे कायम में SI यूनिट्स में, ठीक। तो यहाँ देखो मास कायम में दे रखा, ग्राम में दे रखा, मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो या तो 10 बाय 1000 भाई 10/1000 हो जाएगा किलोग्राम में, या फिर आप इसको ऐसा कर दीजिए 10 × 10^-3 किलोग्राम हो जाएगा, बोलो राइट है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ, भाई साहब इसका वेग दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, कितनी है बच्चों, 300, कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड में ही दे रखा है आपको, राइट है क्या, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पिस्टल, मतलब दूसरी बॉडी कौन सी है, पिस्टल है, सेकंड बॉडी कौन सी है, पिस्टल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड बॉडी कौन सी है, पिस्टल है, राइट है। ऑफ मास कितना है, 1 kg, चलिए इसका मास लिख लेते हैं, इसका द्रव्यमान लिख लेते हैं, कितना है 1 kg ऑलरेडी एम केस में। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ठीक है भाई, फायरिंग के बाद की जो वेलोसिटी है पिस्टल की वो पूछ रहा है हमसे, ये गन है उसको लेके खड़े हुए हैं, फायर करने के पहले दोनों कायम होते हैं, रेस्ट में होते हैं भाई, जब तक आप फायर नहीं करेंगे तब तक दोनों मोशन में नहीं, मैंने गन ली और मैं लेकर के खड़ा हो गया, बिफोर फायरिंग बोथ मतलब बुलेट और पिस्टल दोनों कायम है, रेस्ट में, राइट है। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है, 0 है, राइट है। अब मैं जैसे ही फायर करूंगा, क्लियर, तो जब हम फायर करते हैं तो हाथ पे क्या लगता है, जर्क लगता है, फायर करने के बाद जब हाथ पे जर्क लगेगा तो हैंड किधर आएगा, बैक साइड में, और बुलेट किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट। तो ये जो वेलोसिटी है गन की, ये बैक साइड वाली जो वेलोसिटी,
ये जो वेलोसिटी है, हमें ये वेलोसिटी क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, राइट है। याद रखिए, फायरिंग ऑफ बुलेट, भी बंदूक से गोली का निकलना, फायरिंग ऑफ बुलेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। अच्छा, और कौन कौन सी चीज़ें संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है? भाई फायरिंग ऑफ बुलेट तो हो ही गया है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब हो सकता है, रॉकेट प्रोपल्सन हो सकता है, राइट है क्या, जंपिंग टू द कार्ट हो सकता है, कोल्यूजन हो सकता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल एप्लीकेशन हैं किसके? संवेग संरक्षण के नियम के। तो चूंकि फायरिंग ऑफ बुलेट जो है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, M1U1 प्लस कितना है M2U2। भाई फायरिंग के पहले, चलाने के पहले दोनों का संवेग कितना हो जाएगा, M1U1 प्लस M2U2। फायरिंग के बाद में क्या कर दें, M1V1 प्लस कितना है M2V2। बोलो बराबर है क्या? लेकिन सुनिए जरा एक मिनट भाई, चूंकि बुलेट आगे की तरफ निकल गई और गन की तरह गई बेटा पीछे, मतलब मोशन के बाद में, फायरिंग के बाद में दोनों की दिशाएं किसी हो गई, विपरीत हो गई है भाई, एक फॉरवर्ड निकल गया एक बैकवर्ड आ गया है। तो हमें चूंकि संवेग जो है भाई वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, और सदिश राशि में यदि दिशाएं कैसी होती है, विपरीत होती है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, माइनस साइन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा साइन बदल देना, क्योंकि देखिए ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि दो उत्तर हमें काय में दे रखे हैं, माइनस में दे रखे हैं, तो चूंकि गलती ना हो प्लस और माइनस की, तो हम यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ प्लस के बजाय क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। क्या आएगा प्लस के बजाय? माइनस। अब ये करेक्ट है, आपको क्लियर हुआ होगा, एक आगे एक पीछे, डायरेक्शन अपोजिट, देन वी विल यूज अ नेगेटिव साइन, राइट है। चलिए, क्या फायरिंग के पहले दोनों मोशन कर रहे थे, गति कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो चूंकि दोनों विराम अवस्था में थे, तो U1 भी कितना? शून्य, U2 भी शून्य, तो ये दोनों डाटा कितने हो गए बच्चों? जीरो हो गए, राइट है। चलो M1V1 डाटा हम लिख चुके हैं, वैल्यू इक्वेट कर देते हैं, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। M1V1 माइनस कितना है? M2V2। बराबर है बच्चों, माइनस का इधर ले आइए, तो M1V1 बराबर से क्या हो गया बच्चों? M2V2, राइट है। वैल्यू इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा बच्चों, M1 कितना है? 10 × 10⁻³, ये लीजिए 10 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय V1, बच्चों वेग कितना है? 300, ये लिखा 300, राइट है। बराबर से M2 कितना है बच्चों? 1 किलोग्राम, राइट है। तो देखो V2 फाइंड करना है, तो बेटा M2 नीचे आ जाएगा, तो M2 कितना है बच्चों? 1 किलोग्राम। बराबर से कितना है V2? सॉल्व कर लो, उत्तर आपके सामने है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। 10⁻³ बच्चों, 1, 2 और 3, 3 + 0 और 3 - 0 कैंसिल आउट, आप देख रहे हैं V2 बराबर से एग्जैक्टली कितना आ रहा है? 3, और वो भी कायम में मीटर पर सेकंड, ठीक। आप देखो ये प्लस और माइनस यदि आप यहीं की यहीं सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ऑप्शन ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो कितना आ रहा है बच्चों? 3 m/s, ये रहा आपका 3 m/s एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका अब ये, ठीक, लास्ट क्वेश्चन। माइक्रोफोन कन्वर्ट, ये लगा रखा है बच्चों मैंने, माइक्रोफोन कन्वर्ट किसका किसमें कन्वर्जन कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ और वायर्स के थ्रू मेरा जो साउंड है वो किसमें कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए देखो ये देख लगा रखा है मैंने एग्जांपल, राइट है। माइक्रोफोन कन्वर्ट ढूंढिए, मैंने बोला और ये किसमें कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। मैं बोल रहा हूँ मतलब कौन सी वेव? साउंड वेव, ठीक है। माइक्रोफोन वो जो क्या करे? साउंड वेव। अच्छा नीचे भी है क्या? चलिए ठीक है, ये रहा साउंड वेव। साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, साउंड वेव टू माइक्रोवेव। भाई खाना तो बनाना नहीं है, खाना बनाना है कि नहीं बनाना? माइक्रोवेव का कोई काम नहीं, अलग हटाओ यहाँ से। बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, जो साउंड वेव को किसमें बदले? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। तो बच्चों ये रहा रिसेंट का पेपर 25 क्वेश्चन का। मैं वापस से एक नया वीडियो लेकर के इसके बाद वाले जो है पेपर 25 क्वेश्चन जो लेकर के हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक आप इसको रीड करिए, पैटर्न समझिए। जय हिंद बच्चों।